नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सैनिक समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डिफेंस मंत्रालय का बड़ा ऐलान, कार्यरत एवं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 25% होगा रिजर्वेशन। तो देखते हैं खबर को विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। हरियाणा में खुलेगा एक और सैनिक स्कूल। केंद्र सरकार ने जिला झज्जर के गांव मातनहेल में हरियाणा के तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इससे राज्य के लोगों की जो लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। स्कूल की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय के बीच जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा मातनहेल की ग्राम पंचायत द्वारा दी गई 38 एकड़ भूमि पर सैनिक स्कूल बनवाने के लिए 50 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी और जीरो की 1.5 करोड़ वार्षिक प्रदान करेगी। प्रवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार सैनिक स्कूल के लिए आवश्यक भूमि, भवन, फर्नीचर, परिवहन और शैक्षणिक उपकरणों पर होने वाले सभी पूंजीगत खर्च के अलावा के खर्चों का एक बड़ा हिस्सा वहन करेगी। प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल के लिए उपलब्ध कराई गई मौजूदा भूमि को पट्टे पर सैनिक स्कूल सोसाइटी को सौंपा जाएगा और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार समय समय पर उसका नवीनीकरण किया जाएगा। दोस्तों, हरियाणा में बड़ी संख्या के करीब 10% युवा नियमित आधार पर सशस्त्र बलों में भर्ती होते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि वहाँ एक और सैनिक स्कूल होना चाहिए, जिससे कि हमारे सैन्य कर्मियों के बच्चे का एजुकेशन सही तरीके से हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।